आज से 400 साल पहले 16th सेंचुरी में हमारे भारत में दो महान विभूतियों ने जन्म लिया था। एक थे गोस्वामी तुलसीदास जी और दूसरे थे अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी। एक दिन एक स्त्री गोस्वामी जी के पास जाकर उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विनती करती है। तुलसीदास जी ने रामशलाखा में देखकर उस स्त्री को बताया कि उनके भाग्य में संतान प्राप्ति लिखी ही नहीं थी। वो स्त्री थोड़े दिनों के बाद बाबा कीनाराम के पास जाती है और उन्हें भी संतान प्राप्ति के लिए विनती करती है। बाबा कीनाराम ने अपनी धुनी में से भस्म उठाकर उस स्त्री के हाथ में रख दी और कहा कि इसे 3 दिन तक पानी में मिलाकर पीना। थोड़े महीने बीत जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी काशी आते हैं पर्यटन के हेतु, और वे देखते हैं कि जिस औरत को उन्होंने संतान प्राप्ति की बात की थी वो आज 3 बच्चों की माँ है। वे बड़े ही चौंक जाते हैं। तुरंत अपने कुटिया में जाकर वे रामशलाखा खोलते हैं और भगवान से पृच्छा करते हैं, भगवान से पूछते हैं कि हे राम, ये कैसे हो गया? आपने जिस स्त्री का भाग्य बताया था उसके भाग्य में तो संतान प्राप्ति लिखी ही नहीं थी, तो ये हुआ कैसे? तब भगवान राम बहुत ही मार्मिक स्मित के साथ उन्हें जवाब देते हैं कि आपने तो उनके भाग्य के बारे में मुझसे पूछा था, लेकिन मेरे दूसरे भक्त बाबा कीनाराम ने तो संतान प्राप्ति का वचन ही दे डाला, और उनके वचन का सम्मान करने के लिए मुझे ये वरदान उस औरत को देना ही पड़ा। सार यही है कि एक भक्त अगर चाहे तो अपने भगवान से कुछ भी करा सकता है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। ओम श्री मातृ नमः।